कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में पिछले एक साल से बयानबाजी चल रही थी। हरदीप सिंह निज्जर पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के हालिया बयान से दोनों देशों के रिश्तों के बीच तनाव ने नया रूप ले लिया, रंग ले लिया। भारत ने कनाडा को सबक सिखाते हुए उसके 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। भारत के इस रुख से ऐसा लगता है कि अब कनाडा को सबक सिखाने की ठान ली गई। सवाल उठता है कि जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर भारत ने इतना सख्त रुख अपनाया है? कनाडा को जवाब देने के लिए भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसे कभी नहीं जस्टिन ट्रूडो भूलेंगे? और हरदीप सिंह निज्जर, जिसको लेकर कनाडा और भारत के बीच इतना विवाद हुआ, वो कौन है? दरअसल कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले में कहा कि हम ये लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन जाहिर है कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम एक देश के रूप में नज़रअंदाज कर सकें। ट्रूडो ने कहा कि हमारे पास साफ और ठोस सबूत हैं, भारत सरकार के एजेंट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि RCMP ने सबूत साझा करने के लिए भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत सरकार के 6 एजेंट्स आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। वहीं इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज किया और इसे बेतुका बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक एजेंडे के तहत इस तरह के निराधार आरोप लगाकर भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा को सबक सिखाने के लिए भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस पर भी अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है और खासतौर से जो विदेशी मामलों के जानकार हैं भारत के, वो इस पर खूब बढ़ चढ़ कर बातचीत कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच बायलेटरल ट्रेड की जो बातचीत है वो तकरीबन 67,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें भारत बड़े पैमाने पर कनाडा को कई चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इस तकरार में कारोबार तो दाव पर है ही, लेकिन भारत एक और तरीके से कनाडा को सबक सिखा सकता है। दरअसल अगले साल G7 का जो 51वां समिट है वो कनाडा में हो रहा है। G7 देशों के साथ साथ इसमें कई और मेहमान देश भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अगले साल होने वाले G7 की अध्यक्षता कनाडा के हाथ में है। G7 कनाडा में जो होने जा रहा है उसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है, लेकिन हर साल इसकी बैठक में कई दूसरे देशों को आमंत्रित किया जाता है। पिछले साल इटली में 50वें सम्मेलन में भी भारत को आमंत्रित किया गया था, जहां भारत के PM मोदी को इटली के PM जॉर्जिया और मेलोनी ने गर्मजोशी से स्वागत किया था, उसके खूब वीडियो वायरल हुए थे। अगले साल कनाडा में होने वाले G7 समिट का बहिष्कार करके भारत कनाडा को सबक भी सिखा सकता है। और आप ये समझिए कि ट्रूडो के बयान के बाद आई विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया से ऐसा ही लगता है कि भारत कनाडा के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा, कोई ढील देने के मूड में नहीं है। मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर को लेकर जिस तरीके से चर्चा होती रही, शायद ये विवाद इसीलिए और बढ़ गया। भारत में हिंसा और अपराध के कई हिस्सों में उसका नाम आया था, जिसके बाद से उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला गया। हरदीप निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वो मूल रूप से पंजाब के जालंधर जिले के शाहकोट के नजदीकी गांव भारसिंहपुर का रहने वाला था और लंबे समय से कनाडा रह रहा था। हरदीप सिंह निज्जर की मौत से पहले NIA ने निज्जर के संगठन के करीबियों पर शिकंजा कसने के लिए पंजाब के कई जिलों में दबिश दी थी। ये दबिश NIA को मिले इस इनपुट के बाद दी गई थी कि KTF के लिए फंड जुटाने के अलावा सीमा पार से हथियार और नशा तस्करी में KTF का जो सदस्य है वो शामिल है, और इसलिए लगातार इस तरीके की दबिश दी गई। आपको बता दें, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। इसके अलावा निज्जर अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी और कनाडा में भी भारतीय मिशनों के बाहर भारत विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन करता था, उनको लीड करता था। इन प्रदर्शनों में वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडाज फैलाता था, झूठ फैलाता था। NIA ने हरदीप निज्जर पर 10,00,000 का इनाम भी घोषित किया था। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को वांछित और विदेश में बैठकर देश में और पंजाब में माहौल खराब करने वाले दो बड़े आतंकियों को 2 महीने में गोलियां मारकर उनकी हत्या हुई थी, और इन हत्याओं के पीछे कौन है ये साफ नहीं हो पाया था। आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी KCF के चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ की लाहौर में हत्या हुई। पंजवड़ को जौहर कस्बे की सनफ्लावर सोसाइटी में घुसकर गोली मारी गई।
पंजवर साल 1990 से पाकिस्तान की शरण में बैठा था। वो वहाँ मालिक सरदार के नाम से जाना जाता था। परमजीत सिंह जो है वो तरन तारण जिले में झब्बवाल थाने के तहत गांव पंजवार का रहने वाला था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2020 में 9 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें परमजीत सिंह पंजवर का नाम 8वें नंबर पर था। और दूसरी हत्या कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की, उसे भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। 2020 में जारी की गई आतंकियों की लिस्ट में निज्जर का नाम शामिल था। निज्जर 2020 की लिस्ट में था और इन दोनों के अलावा कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी KLF के अवतार सिंह खांडा भी मौत के घाट उतारा गया था। अवतार सिंह खांडा KLF का ब्रिटेन का चीफ था, ऐसा बताया गया। खांडा जो है ब्लड कैंसर से पीड़ित था और वारिस पंजाब डे और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पंजाब में स्थापित करने में खांडा की अहम भूमिका थी। इसी तरह पिछले साल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सहयोग से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार भेजकर कई आतंकी घटनाओं को उसने अंजाम दे दिया था और वो बब्बर खालसा जो है उसी का आतंकी था हरविंदर सिंह रिंडा, इसकी भी लाहौर में मौत हुई थी। इस तरह के तमाम आतंकी जिनकी सूची भारत ने बना रखी थी उसमें से एक था निज्जर, और इसे लेकर जिस तरीके से कनाडा से बयान आते रहे अब ऐसा लगता है कि भारत फुल टू फुल एक्शन मूड में है और आर पार की बात कर रहा है, शायद इसीलिए राजनयिकों की वापसी की बात हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।